गुड मॉर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट दोस्तों, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और मैं पिछले करीब 18 सालों से ट्रेन कर रहा हूँ कि कैसे अपने बिजनेस को अपने आगे बढ़ाना है, अपने बिजनेस को डेवलप करना है और साथ में आपको कैसे मंच पर आकर लोगों को एड्रेस करना है। इन कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर लिखे हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और वीडियो चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करना मत भूलिएगा। आज का टॉपिक है कि किस प्रकार से हम लोग अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, ये पूरी की पूरी एक लंबी सी वर्कशॉप है मेरी कई कई दिन की, जिसको मैं आज कोशिश करूँगा कुछ एक वीडियोज़ के अंदर इसको कंक्लूड करने की। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइए क्या आपने कभी समय को देखा है? कैसा लगता है समय? देखा आपने कभी समय? बड़ी अजीब सी बात है, समय को कोई देख सकता है क्या? है ना, मैंने देखा है साहब समय को, बहुत विचित्र सा लगता है। समय आगे से पूरा बालों से भरा पड़ा है और पीछे से पूरा बॉल्ड है। ये क्या मैसेज हमको मिलता है इससे? इससे हमें मैसेज मिलता है कि हम लोगों को अगर समय जब भी है हमारे हाथ में है तो उसको आगे से पकड़ के रखो। बी अटेंटिव, क्योंकि समय जो है अगर एक बार निकल गया तो आप हाथ मलते रह जाओगे, आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। हर इंसान जो होता है वो हमेशा यही सोचता है कि अगर मैं स्कूल में हूँ तो जिस दिन मैं कॉलेज में आऊँगा तो मैं ये करूँगा। वो कॉलेज में आता है, कॉलेज में आने के बाद फिर वो सोचता है नहीं यार, मेरे ख्याल से जब मैं कॉलेज से बाहर निकलूँगा, एक नौकरी होगी, एक बिज़नेस होगा, तो मैं ये करूँगा। उसकी नौकरी भी लग जाती है, बिज़नेस भी स्टार्ट होता है, तब वो सोचता है नहीं यार, जब मेरी शादी होगी तो मैं ये करूँगा। शादी हो जाती है, फिर वो कहता है नहीं, जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं ये करूँगा। बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चे होने के बाद इंसान सोचता है जब बच्चों की शादी होगी तो मैं ये करूँगा। दोस्त ऐसे करते करते आपकी उम्र जो है वो 60-65-70 साल की हो जाती है। ज़िंदगी यूँ निकल जाती है साहब। कैसे निकलती है ज़िंदगी? ऐसे निकलती है साहब। ज़िंदगी को अगर जीना है तो वो कल में नहीं है। ज़िंदगी ना कभी अगले साल में है, ज़िंदगी ना अगले महीने में है, ना अगले हफ्ते में है, ज़िंदगी ना कल में है, ज़िंदगी आज में भी नहीं है, ज़िंदगी इस पल में। हर वो गुजरता हुआ जो पल है आपके हाथ में, उससे आप जितना ज़्यादा बना सकते हो बना लीजिए। मुझे डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के पहले चैप्टर की पहली कहानी याद आती है। बहुत साल पहले की बात है, 150 साल पहले, इन द ईयर 1871, देर वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट एंड दिस मेडिकल स्टूडेंट वॉज प्रिपेयरिंग फॉर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। उसका बहुत सारे डाउट्स है, अनसर्टेनिटी थी कि क्या मैं इस एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इन सब डाउट्स के अंदर उसने एक किताब पढ़ी एंड दिस बुक वॉज रिटन बाय सर थॉमस कार्लिल। और इस बुक में से उसने एक ऐसी कोटेशन पढ़ी, 21 वर्ड की थी, ही रेड 21 वर्ड्स विच हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हिज लाइफ। इन 21 वर्ड के कारण से इसकी पूरी की पूरी जिंदगी जो थी वो पूरी की पूरी चेंज हो गई। न सिर्फ इसने अपने एग्जाम को क्लियर किया, ही बिकेम द बेस्ट फिजिशियन ऑफ हिज टाइम, ही वॉज नाइटेड बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड, उसको नाइटेड की उपाधि मिली, उसके नाम से पहले सर लगा। और जब इसकी मृत्यु हुई, व्हेन ही डाइड, इट रिक्वायर्ड टू ह्यूज वॉल्यूम्स हैविंग मोर देन 1,500 पेजेस, करीब 1,500 पेज लगे दो वॉल्यूम के इसकी बायोग्राफी को लिखने के लिए। इसका नाम था सर विलियम ओस्टलर। लेकिन वो 21 वर्ड क्या थे जिसने इसकी पूरी की पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया? दोस 21 वर्ड्स वर्ड, वो 21 वर्ड थे, अवर मेन बिजनेस इज नॉट टू सी व्हाट लाइज डिमली एट अ डिस्टेंस। हमारा मुख्य ध्येय ये देखना नहीं है कि दूर क्या पड़ा है। अवर मेन बिजनेस इज नॉट टू सी व्हाट लाइज डिमली एट अ डिस्टेंस बट टू डू व्हाट लाइज क्लियरली एट हैंड, बल्कि वो करना है जो हमारे हाथ में है। सीज द डे, लिव इन दिस डे, क्योंकि सिर्फ यही एक दिन है जिसको आप पॉसिबली जीत सकते हो। आप लोग आज क्या हो? आप लोग आज हो जो आपने कल किया। व्हाट आर यू टुडे? यू आर टुडे व्हाट यू डिड यस्टरडे। आप कल क्या होगे जो आप आज करोगे? तो अपने आज को आप जितना ज्यादा अच्छा बना सकते हो साहब बना लीजिए। जिंदगी कल में ना है, ना कल जो गुजर गया है उसमें है, उनको ना कल को सोच करके, ना कल आने वाले को सोच करके, इसमें जिंदगी नहीं, जिंदगी आज में है। तो आपको समय को कैसे मैनेज करना है, चलिए हम लोग इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मैंने जो अपने समय को मैनेज करना है, अपने टाइम को जो मैनेज करना है, इसको क्या मुझे हार्ड कॉपी में मैनेज करना है या मुझे इसको सॉफ्ट कॉपी में मैनेज करना है। हार्ड कॉपी का मतलब है एक डायरी हो सकती है, आपका एक प्लानर हो सकता है, ऑर्गेनाइजर हो सकता है। और सॉफ्ट कॉपी का मतलब है आपके मोबाइल पर आपके पास कैलेंडर हो सकता है, आईफोन का आपके पास गूगल कैलेंडर हो सकता है, आपके पास वंडर लिस्ट हो सकती है, आपके पास रिमाइंडर हो सकता है। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप अपने आप को स्केड्यूल कर सकते हो, टू डू लिस्ट हो सकती है आपकी। तो सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि क्या मुझे उसको हार्ड कॉपी पे लेके आना है या मुझे उसको सॉफ्ट कॉपी पे करना है। तो चलते हम लोग पहले हार्ड कॉपी के ऊपर, यानी कि डायरीज के ऊपर, ऑर्गेनाइजर के ऊपर। और काफ़ी हद तक डायरीज भी हो या सॉफ्ट कॉपी हो, वो काफ़ी हद तक 50-60-70-80% तक मिलती ही है। हाँ, अगर सॉफ्ट कॉपी होता है तो आपके लिए उसको मैनेज करना बड़ा आसान है, क्योंकि आपके पास मोबाइल तो हमेशा रहता ही रहता है।
अगर आपके पास मोबाइल है और जो कि रहता ही होता है तो अपने आप को हर जगह आप उसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायरी रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको उस डायरी को उस मोबाइल फ़ोन की तरह, अपने पर्स की तरह, मोबाइल फ़ोन की तरह हमेशा आपको कैरी करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको इसको हार्ड कॉपी पे करना है, डायरीज पे करना है, प्लानर्स पे करना है, या अपने मोबाइल पे आप कर सकते हो। आप अगर आप फ्लुएंट हो, अगर आपकी उंगलियां चलती हैं, अगर आप मोबाइल पे कर सकते हो तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, इसमें हर्ज क्या है, मोबाइल पे कीजिए आप। मैं भी मोबाइल पे करता हूँ। मैं आप उससे पहले आपको एक बार बता दूँ, मैं कि इससे पहले कि आपको बताऊँ कि मैं टाइम मैनेजमेंट पे आपको जो वर्कशॉप दे रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ कि इस कोर्स को मैंने TMI टाइम मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेशन को 1998 में किया था। मैंने LMI का रखा है, मैंने LMI अमेरिका का कोर्स था, 98 में मैंने किया था, मैंने TMI किया, और TMI को तो मैंने बहुत बार ही किया। देखो टाइम मैनेजमेंट मैं आपके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैंने इस वर्कशॉप को किया, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार चार पाँच पाँच छः छः बार ही मैंने किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, मैं गारमेंट मैन्युफैक्चर था और हो नहीं पा रहा था टाइम मुझसे मैनेज। तो मैंने इस कोर्स को बहुत बार ही किया और कर करके मैंने इतना कुछ किया है कि मेरी शायद इसके अंदर भी एक PhD हो चुकी है। तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि चलो मुझे इसको हार्ड कॉपी पे करना है, मुझे इसको डायरी पे, इसको स्केड्यूल पे करना है। अगर आप डायरी पे करते हैं, डायरी तो आपको कहीं से मिल सकती है, 100, 150, 200 रुपए की बहुत अच्छी डायरीज आप लोगों को मार्केट से मिल सकती है, ओके। और स्केड्यूलर होता है जिसके अंदर आपने देखा होगा, उसके अंदर आप जब चाहें उसको आप उसके जो लीव्स हैं उनको आप बाहर निकाल सकते हैं, उसके अंदर ईयर एट ए ग्लांस होता है, उसके अंदर मंथ एट ए ग्लांस होता है, उसके अंदर डे एट ए ग्लांस होता है, आप उसको अपने आप को बहुत ढंग से स्केड्यूल कर सकते हो, ठीक है। स्केड्यूलर जो है वो पूरी की पूरी एक वर्कशॉप है जो कि मैंने आपको बताया, TMI से मैंने की है, LMI से मैंने की है, तो उसको बताने के लिए तो मेरे ख्याल से वर्कशॉप बहुत छोटी होगी, लेकिन नटचल में अगर आपको मैं बताऊं तो आपको सबसे पहले अपने पास आपको प्लान करना है। एक बात तो आपको अपने पास मतलब गांठ बांध लीजिए अपने साथ में कि आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक ये कि आपको प्लान करना है पूरा का पूरा दिन, और सेकेंड ये है कि आपको यू हैव टू स्टिक विद द प्लान। नंबर 1 यू हैव टू प्लान अ डे, एंड नंबर 2 इज दैट यू हैव टू स्टिक विद द प्लान। अगर आप अपने प्लान के साथ में स्टिक नहीं रहते हो, फ़ायदा क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन डायरीज को रखने का आपको सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में कहीं फ़ायदा नहीं होगा अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो। तो डिसिप्लिन होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और डिसिप्लिन अगर इंसान बात बात पे अपने मोबाइल के अंदर अगर वो SMS देखता है, WhatsApp खेलता है, वो Facebook खेलता है, हर इंसान उसका आगे इंटरप्ट कर सकता है, वो बहुत जल्दी टेम्पटेशन से टेम्पटेड हो जाता है, इसका मतलब वो डिसिप्लिन नहीं है। अपने आपको सबसे पहले रोकना जरूरी है आपके लिए। अगर आप रोक नहीं पाते हैं, ये सब टेम्पटेशन आपको टेम्पटेड करेंगी और आपका समय खराब होगा। तो आपको अपना प्लान करना है और प्लान के साथ में ही रहना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब आता है आपका कि आपको इस प्लान को कब करना है। अक्सर लोग अपनी प्लानिंग करते हैं ऑफिस में जाने के बाद। अगर आप ऑफिस में जाने के बाद प्लानिंग करोगे तो इसका मतलब है आपके दिन का 1/4 डे जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप इसको काम को डेलीगेट करोगे, काम को करवाओगे, सबके सब लोगों को ऑर्गेनाइज करोगे, क्या ही बेहतर नहीं रहेगा कि आप अपना जो दिन स्केड्यूल करना है आप लास्ट दिन पर यानी कि प्रीवियस डे में ऑफिस में जाने से पहले अगले दिन को आप स्केड्यूल करें। क्या ही बेहतर नहीं रहेगा कि आप सब लोगों को बताएं जो जो आपके साथ में हैं, आपके जो टीम के जो मेंबर हैं, जो जैसे आप ओनर हैं तो आपके जितने भी डिपार्टमेंट के हेड हैं उनको आप साथ में लीजिए, उनके ईमेल में आप उनको ईमेल कर सकते हैं जो भी स्केड्यूल है अगले दिन का या अगले वीक का। हाँ, मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर आपने एक बात का और ख्याल रखना है कि आपको अपने जो स्केड्यूल करना है अगले दिन को तो स्केड्यूल करना ही है, आपने नेक्स्ट वीक को भी स्केड्यूल करना है, आपने नेक्स्ट मंथ को भी स्केड्यूल करना है, आपने नेक्स्ट ईयर को भी स्केड्यूल करना है। ईयर की स्केड्यूलिंग कब होती है? ईयर की स्केड्यूलिंग हमेशा लास्ट वीक में होती है, राइट? यानी कि आपको अगर 2019 को अगर स्केड्यूल करना होगा तो उसका आप कब करोगे? ईयर एट ए ग्लांस में जा करके इसको कब करोगे? आप करोगे लास्ट वीक ऑफ डिसंबर में, डन। सिमिलरली अगर आपको जैसे ये इसमें जून है, अगर आपको जुलाई में करना है, जुलाई को स्केड्यूल करना है, तो आप कब करोगे जुलाई को? आप ऑब्वियसली बात है कि आप जुलाई को स्केड्यूल करोगे 29-30 जून में जाकर। सिमिलरली अगर आपको अगले दिन को स्केड्यूल करना है, उसका बेहतर जो टाइम होता है वो सुबह नहीं होता, इसका बेहतर टाइम होता है एक दिन पहले यानी कि इवनिंग में जब आप अपने ऑफिस को लीव कर रहे हो। एग्जेक्टिव मीटिंग भी जो है वो यूजली आपकी होती है वीक में एक बार, मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना चुका हूँ, वो भी जो आपको स्केड्यूलिंग करनी है, अगर आपको अपनी जो एग्जेक्टिव मीटिंग करनी है वो भी आपको रखनी चाहिए फ्राइडे की इवनिंग में ऑफिस के जाने के वक्त में, अगर आपका 5 डेज वर्किंग है। तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड कर लेना है। अच्छा, अब आता है आपका टू डू लिस्ट। ये टू डू लिस्ट क्या है? टू डू लिस्ट होती है सिंपल सी बात है जिसमें आपके जितने भी काम हैं जो कि वन टाइम है या रिकरिंग है, उनको आपने उन छोटे छोटे कामों को आपने लिख लेना है। अच्छा, ये टू डू लिस्ट जो है हमेशा बढ़ती जाती है, टू डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होती।
इसका एक ही तरीका है और वो तरीका है प्रायोरिटाइज योर वर्क। मान लीजिए मेरे पास एक जार है और इस जार के अंदर पल्सेस हैं, बहुत सारी पल्सेस यानी कि दालें हैं, छोटी 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 दालें हैं, और साथ में बस दो कंटेनर हैं जिसमें टेनिस की बॉल्स हैं, छह टेनिस बॉल्स हैं, और मेरे पास एक कंटेनर और भी है जो कि काफ़ी बड़ा है। मैं क्या करता हूँ, जिस जार के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर दालें हैं उससे उठा के मैं बड़े वाले जार में डालता हूँ, फिर उसके बाद जो दो कंटेनर हैं जो टेनिस बॉल्स के, तीन तीन बॉलों के, उन छः की छः टेनिस बॉल को मैं उसमें बड़े वाले जार में डालने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या देख पाता हूँ कि बड़े वाले जार के अंदर ये टेनिस बॉल दो या तीन आ पाती हैं, सब की सब नहीं आ पाती। मुझे आप क्या बता सकते हैं कि कोई ऐसा तरीका है जिससे कि इस बड़े जार के अंदर मैं छः की छः टेनिस बॉल्स और साथ में सारी की सारी पल्सेस में डाल सकूँ, कोई तरीका है? हाँ अनुराग, ये स्टूपिडिटी छोड़ दो, आपको सबसे पहले बड़े वाले जार के अंदर वो टेनिस बॉल्स डालनी चाहिए थी, उसके बाद आपको वो पल्सेस, वो दालें डालनी चाहिए थी, राइट? आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सबसे पहले हम लोग को टेनिस बॉल डालनी चाहिए और फिर क्या देखेंगे हम लोग, वो जो छोटे छोटे काम हैं, वो छोटे छोटे दाने हैं, वो जो पल्सेस हैं, वो अपने आप दो बॉलों के पीछे जगह बना लेंगी। उसके लिए बनाने के लिए हमको जगह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही हमारे काम होते हैं। हम अपने कामों को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं जो बड़े काम और डिफिकल्ट काम होते हैं, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेनिस बॉल से। फिर उसके बाद हमारे पास छोटे छोटे काम होते हैं। छोटे छोटे काम कौन से होते हैं? ये हो सकते हैं ईमेल्स हो सकती हैं, ये व्हाट्सअप हो सकते हैं, ये हमारे फेसबुक हो सकते हैं, ये हमारे पास अनइनवाइटेड गेस्ट हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं अनइनवाइटेड, ओके? तो ये छोटे 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 काम हैं जिसके कारण से हम लोग हमेशा ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, जिसको लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं पल्सेस के साथ में, दालों के साथ में। हम लोग करते क्या हैं, हम लोग हमेशा दिन की शुरुआत दालों से करते हैं, छोटे कामों से करते हैं, और बड़े काम को प्रोकास्टिनेट यानी कि आगे से आगे से आगे प्रोकास्टिनेट यानी कि टालते चले जाते हैं। नतीजा क्या होता है, शाम को जाके हम लोग हद से ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, अनसेटिस्फाइड रहते हैं। अगर आपके दिन में आपको शाम को जाके लगता है कि आप अनसेटिस्फाइड हो, अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो इसका मतलब आपने सारा दिन वेस्ट किया है। आपने दिन की शुरुआत छोटे 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 काम से किया है। मैं आपको एक वादा कर सकता हूं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत बड़े काम से करोगे, जैसे उस जार के अंदर अगर हम लोग टेनिस बॉल को पहले जानेंगे, तो उससे छोटे छोटे जो पल्सेस हैं वो अपने आप जगह बना लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे बड़े कामों से, आप देख लेना छोटे छोटे जितने भी काम हैं वो अपने आप जगह बना लेते हैं। इसके लिए समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास जो डायरी है, आपके पास जो प्लानर है, अब इसके अंदर जो भी आपने काम नोट डाउन करना है, वो नोट डाउन आपने उसी स्पेसिफिक डे में, जिस दिन आपको वो मीटिंग, वो काम करना है, उसी स्पेसिफिक डे में, उसी स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको अलॉट करना है। ये डेली डायरी का फायदा होता है। आप यूजली करते क्या हैं, आप डेली डायरी को ऐसे रफ बुक आप यूज़ करते हैं। डेली डायरी इस काम के लिए नहीं होती। डेली डायरी के अंदर आपने देखा होगा डेट होती है, उस डेट के अंदर आपको स्पेसिफिक डे में जाकर, वो स्पेसिफिक टाइम में जाकर उसको नोट करना है। अगर आप इस ढंग से स्पेसिफिक डे में स्पेसिफिक टाइम को आप देखोगे, वहाँ पर जाके नोट करोगे, और ये काम आपको कितने रखने चाहिए, मैं कहूँगा 7-8-9-10। बहुत ज़्यादा डेली डायरी को भरना, बार बार सुबह से शाम तक आप उसको भरोगे ना, तो क्या होगा, माइंड एकदम क्लॉक हो जाएगा, कंजस्टेड हो जाएगा। वो एक दिन दो दिन कर लेगा, लेकिन उसके बाद वो डायरी में वापस खोल के नहीं देखेगा। तो अगर आप चाहते हैं अपने आप को स्केड्यूल करना, अपने टाइम को मैनेज करना, तो यहाँ पर डेली डायरी में आपको बहुत ज़्यादा राइट वर्क नहीं करना है। 7-8-9-10 काम लिखिए एक दिन के अंदर। अच्छा, इन काम को रखते हुए जो रूटीन वर्क है, मान लीजिए आपको लंच करना है और रूटीन में लंच करते ही करते, तो वो एक काम नहीं है, वो एक टास्क नहीं है। घर पे जाना, आप रोज़ जाते ही जाते हो अपने ऑफिस से, वो एक टास्क नहीं है। तो आपने काम कौन से लिखने हैं, आपने वो काम लिखने हैं जो कि आप रूटीन वर्क नहीं है, आप डेली नहीं करते हो और आप भूल सकते हो, उन्हीं कामों को लिखना है। जो रूटीन है, जो आप डेली करते हो, उनको आपने नहीं लिखना है। उसको लिख लिख कर आप उस काम को बढ़ा मत दीजिए, आप उनको काम मत समझिए, वो तो आपके रूटीन के डेली के रूटीन बन चुके हैं, ठीक है? इस बात का ख्याल रखिएगा आप। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप एक एलिफेंट को खा सकते हैं? एक हाथी को आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। लेकिन अगर एलिफेंट को खाना हो, हाथी को खाना हो, तो उसका एक बढ़िया तरीका क्या है? एक तरीका है कि अगर हम लोग उसके छोटे 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 टुकड़े कर दें और हर रोज़ उसका छोटा 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 टुकड़ा खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, तो क्या होगा, एक दिन पूरा पूरा एलिफेंट जो है वो साफ हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है? इसी ढंग से अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हो, उसका बहुत बढ़िया तरीका है कि हर रोज़ आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। एलिफेंट आप नहीं खा सकते, उसका छोटा छोटा टुकड़ा आप हर रोज़ खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, और एक दिन पूरा का पूरा एलिफेंट साफ हो जाएगा। कहना मैं ये चाहता हूँ कि आपके जितने भी बड़े बड़े गोल्स होते हैं,
मान लीजिए आपने एक बुक लिखनी है, मान लीजिए आपने आपको एक्सपेंड करना ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आपको एक्सपोर्ट में आना है, या मान लीजिए आप एक फॉरेन लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं, सब के सब टास्क क्या हैं? ये सब टास्क हैं एलिफेंट टास्क, यानी कि बड़े टास्क हैं। जब तक आप इनको हर रोज़ एड्रेस नहीं करोगे, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा आप रोज़ का नहीं लेते रहोगे, ये एलिफेंट ख़त्म होने वाले नहीं होते। तो इसलिए आपको ख्याल रखना है कि आपको अपनी डायरी के अंदर, या वो आपकी सॉफ्ट कॉपी है, आपकी हार्ड कॉपी है, डायरी है, स्केड्यूलर है, आपका वंडर लिस्ट है, आपकी आपकी गूगल डायरी है, गूगल कैलेंडर है, वहाँ पर जाकर के आपको हर रोज़ दो तीन जो आपके एलिफेंट टास्क है उनके लिए स्पेशल टाइम अलॉट करना ज़रूरी है, तभी जाके आपके एलिफेंट जो है वो ख़त्म होंगे, नहीं तो नहीं ख़त्म हो पाएंगे। लास्ट में दोस्तों, अगर आप इस पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर इस बिज़नेस को अपने डेवलप करना चाहते हैं, तो ऊपर लिखे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको आप हिट जरूर कीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसको आप क्लिक करना मत भूलना। मैं आपको इसी प्रकार से वीडियो देता रहूँगा, और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब खैर, बी सिंह, गुड नाइट।